ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अव्यक्त मुरली भी है, दोनों है। आज एक है, हाँ दो है। साकार मुरली है, January 18, 2024, बाप दादा मधुबन। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बाबा की आशा क्या रहती है कि बच्चे सुखी बन जाए। बाप वही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। किसकी डांस सिखाते हैं? ज्ञान की। कोई स्थूल डांस की बात नहीं है, या तो ज्ञान के गीत सुनाते हैं। बाप दादा को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। सॉरी, भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है, बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए और वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं, बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो, बाप को याद करो और विश्व के मालिक पने को याद करो। मन मना भाव मध्याजी। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे ने, सब हदे पार। तुम बच्चों के लिए सारे विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वो है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। स्वभाव क्या है? स्वभाव स्वभाव में क्या होता है? स्वभाव मतलब भाव, भाव मतलब कुछ ने कुछ बोला, आप कट गया कुछ? भावना है हमारी, स्वभाव हमारी भावना है, खास करके भावना है। और भावनाएं कैसे बनती है? विचार से। और विचार कहाँ से आते हैं? हमारे संस्कार से। जो हम हमारे सामने जो सिचुएशन आती है, जो हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उनके आधार पर ही ये सब कुछ बनता है। इसलिए हमारे थॉट भावनाएं, तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि यह तो जैसे देवताएं हैं। देवताएं नामी ग्रामी है, कहते हैं ना, इनका स्वभाव एकदम देवता ही है, मतलब देवता जैसा है। बिल्कुल ही मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। कैसे लग जाना है? आपे ही, बाबा कहे ना कहे। बाबा कहते हैं, श्रीमत देता हूँ, किसके अंदर? मुरली के अंदर। तो आपे ही सेवा करते रहो। ऐसे नहीं कि मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। कहते हैं ना, थक गए हैं, फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। बाबा कहते, बहाना नहीं, समय पर सब काम करने में कर ले। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं कि जितनी सेवा करेंगे तो बाबा कहते इजाफा मतलब रिटर्न मिलेगा। बाबा बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। किसके ऊपर कुर्बान जाते हैं? बच्चों के ऊपर। मगर बच्चों की देवी चलन, अरे देवी चलन चले तो, वरना बाबा कहते हैं मैं क्या करूँ। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पद्म पति बनते हो, बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते। बाप तुमको अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो एक की जन्म साथ रहेगा। पता है ना वजन करते है? किसका? आगा खान का वजन किया था ना बाबा, याद कराते हैं, हीरो में वजन किया था।
वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं रोते हैं, क्यों डरते हैं? छूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। वहाँ तो साक्षात्कार हो जाते हैं, तुमको खुशी है ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट, कैसी है? इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी प्रकार का आधार नहीं, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं। आधार में क्या होता है? देह देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, धर्म देखते हैं, भाषाएं देखते। बाबा क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। इसलिए भावनाएं बदल जाती है, थॉट बदल जाती है। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए, जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना। कौन सी अवस्था? मौत। पर जीवा इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया, है ना। मर जाता तो क्या होता है? कुछ याद रहता है? कुछ नहीं, सब गया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, इसलिए बाबा किससे मरने की भान कर बात करते हैं? शरीर के भान से। एकांत में बैठ अभ्यास करो बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। एकांत की डेफिनेशन। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। कौन है चैतन्य डिब्बी? ब्रह्मा बाबा का तन, और चैतन्य हीरा है शिव बाबा। वही सत चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। सत मतलब ट्रुथ, चित्त मतलब लिविंग बीइंग, और आनंद स्वरूप है ओरिजिनल स्वरूप। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं, बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है। क्या करना है? चुप रहना है और पढ़ना है, एक बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी इस बीज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी, याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते। हर एक बच्चों को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनानी। हर एक बच्चे प्रजा कैसे बनेगी? सेवा करेंगे तो बनेंगे ना, वरना कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहते प्रजा भी बनानी है, वारिस भी, और प्रजा में भी वारिस क्वालिटी। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए, बाबा बहुत प्यार से समझाते। क्या समझाते? मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। बाबा देखता है ना सब कुछ, तो बाबा को भी रहम आता। इसलिए बाबा कहते हैं पहले दूसरे के ऊपर रहम करने के पहले अपने पर रहम करो। रहम करना मतलब परिवर्तन करना, और बाबा को रहम दिल बोलते हैं। मतलब क्या? रहम करता है, दया करता है। अगर रहम का मतलब बाबा ऐसा कहता है कि वो सामने वाला कुछ भी करे, बाबा अपने बच्चों को नहीं देखता है, अब कारी पर भी उपकार करो, बाबा ये कहता है। इसलिए अपनी गलतियाँ कुछ हो गई मान लो, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बार बार उसको याद करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, दूसरों पर तो करते हो अगर अपने पर भी करो। अपनी गलतियाँ कुछ हो गई तो ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर में गलती ना हो उनका ख्याल रखना, इसको कहते हैं रहम करना। जो खुशबूदार फूल है वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी चर्च लाइट देने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। बाबा को बाबा ने प्रैक्टिकल में सब कुछ करके दिखाया है कि बाबा के रोमांच खड़े हो जाते थे, नयन गीले हो जाते थे। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा चर्च लाइट देते। क्या करते थे बाबा? पावर। कैसे देते थे?
ब्रह्मा बाबा रात को उठकर जो बच्चे की कमियां होती थी उनको इमर्ज करके उनको पावर देते, इसको बोलते सर्च लाइट देना। बाबा समझाते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी, आश रखेगा तो क्या होगा, वहाँ कम हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, दुखी होते रहेंगे, कुछ हुआ नहीं। तो बाबा के पास भी ज़्यादा आश नहीं रखो, आश रखनी तो क्या रखनी है, बाप समान बनने की, देवता बनने की। अब तो एक ही आश रखनी है, श्रेष्ठ आश रखनी है कि हम तो चले सुखधाम, कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। ठहरना देखते तो क्या हो जाता है, किसी की स्टेज देखते हैं, कोई परिस्थिति देखते तो क्या होता है, ठहर जाते हैं, देखते रहते हैं ना, एक तरफ ही देखते रहो, कहाँ सुखधाम, तब तो अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अचल अडोल स्थिरियम, इमूवेबल, अनशेकेबल, स्टेबल। यह अब यह दुनिया खत्म होनी ही है, इसकी बहुत सीरियस हालत है ना, सीरियस। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खलास कर देती है ना। अब तो बहुत लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूट्यूब पर। तुम जानते हो ये प्रकृति कभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर मतलब हर चीज पुरानी से नई, नई से पुरानी होनी ही है, कुछ भी हो जाए। सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी, कौन, प्रकृति। अर्थक्वेक से मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे, यह सब ड्रामा का प्लान बना, बल्कि सब कुछ ड्रामा में निश्चित है, इसमें दोष किसी का भी नहीं। भगत सब क्या है, संपूर्ण निर्दोष है। जो लोग ज्ञान में नहीं आ रहे वो भी बराबर है, क्योंकि उनका भी पार्ट खुला नहीं। इसलिए बाबा कहते जो भी हो रहा है किसी का दोष नहीं है, कोई विनाश कर दे, कोई टेररिज्म कर दे, बाबा कहते किसी का दोष नहीं, उनका पार्ट ही है, विनाश तो होना ही है। इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना, तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। यह ना इंश्योर सबने, बाबा कहते सब कुछ, बाबा का मतलब इंश्योरेंस हो गया। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है, वाह तकदीर वाह। पहला वाह सतगुरु वाह मतलब वाह बाबा वाह, दूसरा वाह तकदीर वाह मतलब वाह मैं आत्मा, है ना, मेरी तकदीर, आत्मा की तकदीर, तीसरा वाह ड्रामा वाह, तीनों तीन। तुम्हारे दिल से निकलता क्या निकलता, शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे दो मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, है ना, हम आए नहीं होते तो कुछ पता होता। इसलिए बाबा कहते शुक्रिया, हमें पकड़ लिया रास्ते चलते चलते, कहते ना ब्रह्मा बाबा चलते रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, देने में भी बाबा को दे नहीं रही, बाबा से ले रही है। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। कितना हृदय शुद्ध होगा तो, जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे, अपनी शुद्धि होगी यहाँ से तो आप बना सकेंगे, बाकी नहीं बना सकेंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता, तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है, है ना, देखना है अपने को। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो, जितना हो सके क्या करो, देही अभिमानी बनो और याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा, बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा कर साथ ले जाएं, कहाँ बिठाएंगे, पलकों पर बिठाते, दिल में बिठाते, बाबा दिल मतलब बुद्धि।
ऐसे बाप की याद के नशे में चकना चूर होना चाहिए। क्या हो जाते वो कहते हैं, बाप की याद के नशे में चकना चूर होना, लोग क्या करते हैं, दुनिया के नशे में चकना चूर हो जाते हैं। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, है ना। कनाडा में बर्फ देकर ठंडे ठार नहीं होना है। अच्छा, 1 मिनट याद करेंगे, बाबा का गीत बजा। ओम शांति। सो बाबा कहते हैं, बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर अपकार करते हैं, तुम्हें भी फॉलो, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो, बाप तुम्हें निराकारी
आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, है ना? बाबा क्या कहते हैं, सुख दो सुख लो, दुख ना दो दुख ना लो, दुख कोई दे तो भी नहीं लेना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, शुभ कार्य में राइट हैंड को ही लगाते हैं, है ना? कोई भी होता है तो देखो कहाँ पानी कहाँ से उठाते हैं, राइट हैंड, कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते, इसलिए बाबा का क्या बनना है, राइट हैंड। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो, राइट हैंड कम बनेंगे जब राइटियस बनेंगे, बाबा जो कहे वैसा करेंगे। एक बाप को याद करो तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। बाप क्या कहते, सुनो, धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे, बर्बाद और आबाद। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। अब क्या कहते हैं, बहुत लालच नहीं रखो, इसका मतलब कमाना है, कमाना नहीं ऐसा भी नहीं, मगर बहुत नहीं, टू मच नहीं, जितना चाहिए उतना। उसी फिकरात में शिव बाबा को भूल जाते, किसी फिकरात में ज़्यादा कमाने इकट्ठा करने की। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाबा सब कुछ देखता है कि मुख से बोलते तो है बाबा सब कुछ तेरा, मगर जब चांस आता तो क्या कर लेते हैं, मेरा। इसलिए बाबा कहते हैं अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं, बाबा देखते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, किसने, ब्रह्मा बाबा, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। कहाँ तक ट्रस्टी बन गया, आठ माता ये बहना का ओम मंडली बनाए, उसमें वो ट्रस्टी नहीं था, कहाँ तक, कोई नहीं, परिवार का भी कोई नहीं। देखो बाबा की बेटी यज्ञ में थी, शांतामणि दादी, मगर बहू भी थी, मगर उनको कभी भी चीफ नहीं बनाया बाबा ने। जैसे जैसे क्या है जिसकी लायका क्वालिफिकेशन के अनुसार, कुमार का दादी थी, मतलब दादी प्रकाश मणि, जिसको कुमार का दादी बोलते थे, वो भी क्या थी, उनकी बेटी नहीं थी, मगर उनको चीफ बनाया, उनकी बेटी को नहीं बना इतना देने के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी, पूरा ट्रस्टी, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस ईश्वर के काम में ही लगाना। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए, बाबा के सामने कितने ऑब्स्टेकल आए, कितने विघ्न, बाबा ने कभी डरे नहीं। कुछ भी होता था तो क्या करते थे, कुछ भी होता था यज्ञ में नहीं होता था, मान लो तो बाबा कहते योग करो, बाबा दे दे, बाबा देता था। कहाँ तक बाबा का कॉन्फिडेंस था, कहाँ तक बाबा का फेथ था, कॉन्फिडेंस, फेथ वर्ड बाबा यूज करते ना, जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, जहाँ तक हो सके ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना, सब कुछ बाबा का मेरा कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज डेट है अप्रैल 15, 1974। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां कहाँ तक अनुभव में आ रही,
विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कोई के द्वारा तोहफा मिलता है, कुछ न कुछ गिफ्ट मिलते हैं, इनाम मिलता है, तो बुद्धि में हलचल नहीं होती बल्कि उल्लास होता है ना? इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। अपन दो वर्ड यूज किए, क्या? तोहफा समझा, तोहफा मतलब बाबा कहते तो उल्लास बढ़ेगा, हिम्मत उल्लास आएगा, आनंद आएगा, एंथुसिएज्म बढ़ेगा, और अनुभव किया तो हिम्मत बढ़ेगी। दोनों वर्ड अलग अलग बाबा ने यूज किए, तोहफा समझा, अनुभव किया, उसके सामने उल्लास और हिम्मत। अनुभव करेंगे तो हिम्मत आएगी, कभी भी घबराएंगे, आगे बढ़ेंगे। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाए। अपन बहुत ही डीप सेंटेंस का क्या कहा, घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर सागर से प्राप्त करेंगे। परीक्षा क्या है? सागर है, वो तो आती रहेगी, कभी रुकने वाली समय किसके लिए रुकता है? क्या कभी नहीं रुकता? हम रुक जाए समय नहीं रुकेगा, वो तो टिक टिक आगे ही बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव क्या है, हमारे लिए हलचल में स्थित बस्थिर स्थित बनने का साधन। एक बार अनुभव हो गया फिर वही परिस्थिति आएगी तो हिलेंगे नहीं, सीखेंगे ना, लर्न करेंगे ना कुछ ना कुछ। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी। ऊपर देखने अंदर क्या दिखाई देगी? समुद्र होता है तो ऊपर लहरें चलती है, बाबा के हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व अंतर्मुखी बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होगी। क्या होगी? बाबा ने जो सुनाया वो क्या होगा? स्टेबिलाईज हो जाएंगे उसके अंदर। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। अब अगर आश्चर्य हुआ मतलब ऊपर नीचे तो हुए ने, क्वेश्चन नहीं हुआ, आश्चर्य मार्क और क्वेश्चन मार्क बाबा दोनों में डिफ्रेंशिएट करते। क्वेश्चन मार्क क्या है? नेगेटिविटी। आश्चर्य मार्क क्या है? वेस्ट है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है? नेगेटिविटी, होना ही चाहिए। अगर ड्रामा है होना ही है, अगर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं निकलना चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प होता है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे, और अंश कभी भी वंश बन जाता है भविष्य में। इसलिए ख्याल रखना है कि आश्चर्य भी नहीं, अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। अब कहते कोई भी कुछ भी आए, नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों के हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। कुछ काम की स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। तो बाबा कहते कर्मेंद्री के हलचल में आते हो मगर अंदर स्टेबिलाइज रहे, ठीक है, आगे बढ़ो। एकाग्र, इसको क्या कहते हैं? एकाग्र, एक रस, एकांत। एकाग्र, एक को ही अग्रता, एक रस स्थिति, एक समान कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, एकांत एक के अंत में हो जाए, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने।
त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती, क्या है? तब कहते बाहर जो है वो अंदर तो नहीं चला जाता। जब स्थूल सागर, अब एग्जाम्पल देते हैं, दोनों ही रूप दिखाते हैं, स्थूल सागर में ऊपर देखो तो लहरें आती हैं मगर नीचे तो एकदम शांत होता है ना अंदर में, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? दुनिया में दिखा दिया ना सागर राजा, मगर कौन किसका उदाहरण है? सागर। अब कहते सागर नहीं है, सागर। यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की, हम गिरे तो पूरी की पूरी दुनिया गिरी। इसलिए हम यदि ऊपर नीचे हो गए तो प्रकृति भी ऊपर नीचे हो गए, तो आप स्टेबल रहेगा। आप तो पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में उत्तम पुरुष, तो जितना भी है ना, बाबा बोलते आप डबल पूज्य हो, है ना? बाबा कहते आपको मैं नमस्ते करता हूँ। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? प्रकृति हलचल हुआ आती है तो क्या हम स्टेबल नहीं रह सकते? नीचे तो स्टेबल है ना प्रकृति भी। बाबा कहते हैं ऐसा करना है। अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सब जगह अति, जहां भी देखो वहां ट्रैफिक। अति कुछ भी हो अति, मगर सुबह में हम लोग आते, सुबह में ट्रैफिक नहीं होता है, इधर अच्छा है, ट्रैफिक नहीं होता, नहीं होता। हम लोग आए तो भी 7 बजे के बाद आते तो ट्रैफिक ट्रैफिक हो जाता है, मगर 6 बजे के आसपास तो ट्रैफिक जरा भी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं समय अति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो हो जाता है ना अपना क्या पिकअप आवर्स हो जाता है, पिक आवर्स। सभी तरह अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है, अंत होगा तो अति होने वाली है। और आजकल देख रहे हैं सब चीज़ में अति, खाना पीना चलना फिरना कोई भी चीज़ हो, काम में भी क्या है, एक 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 को तीन तीन चार चार का काम करना पड़ता है, इसे अंत की भी भक्ति भी है, सब सब इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च और दुख भी इतना ही। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरह अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। बाबा कहते तैयार हो जाओ, सब कुछ आने वाला अति के रूप, चाहे परीक्षाएं आएगी, चाहे परिस्थिति आएगी, चाहे लोग आएंगे, सब अति के रूप। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है, यह भी आश्चर्य नहीं। बाबा कहते क्यों है यह भी आश्चर्य नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्य जनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे ने? एक ही क्वेश्चन मार्क आया मतलब फेल, बाबा कहते गए। ऐसी ऐसी बातें आएगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो, यही तो पेपर है। पेपर क्या है? यही तो पेपर है ना कि क्वेश्चन उत्पन्न होगा, और है भी 1 सेकंड का पेपर। अच्छी सेवा थी, सबको लेकर आए ना साथ में? नहीं, मैंने बोला आप सबको साथ में लाए। अच्छा अच्छा, तो बाबा कहते हैं भी कैसा सेकंड का पेपर, एक ही सेकंड में पास और फेल, मगर आएंगे के जरूर पेपर। क्यों क्यों का संकल्प चंद्रवंशी के क्यू में लगा दे, क्यों और क्यों बोलते हैं बाबा, क्यों लग जाएगी वो क्यों है क्वेश्चन के रूप में, क्यों ये क्यों इंग्लिश में, दोनों में डिफरेंस है। क्यों हिंदी में क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश में क्यू क्वेश्चन मार्क में लाइन है, बराबर। तो बाबा कहते हैं क्यों का संकल्प चंद्रवंशी के क्यों में लगा दे, यदि क्यों आ गया तो सूर्यवंशी नहीं बन सके। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो, समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। किसकी सीट संभालते हैं? समस्याओं की, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है,
विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते है ना। लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती है ना। बाबा भी क्या करते, जब कुछ होता था यज्ञ के अंदर तो स्पेशल योग का प्रोग्राम रहता है, हमें भी करना है, करते हैं ना, हम लोग भी पट्टी करते हैं। कुछ भी होता है तो बाबा कहते हैं योग करो तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएंगे। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, क्या हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, इसको कहते हैं योगी, आए ही नहीं। सुली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। अब क्या कहते हैं, सुली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं, क्योंकि उसमें फंस जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सुली से कांटा बने उसके बजाय कांटों को ही योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे, ये है फाइनल स्टेज। मतलब क्या सुली से कांटा, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि चलो बड़ी परिस्थिति चली गई छोटी आ गई, बराबर है, या तो बड़े क्वेश्चन चले गए छोटे आ गए, या तो हमने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब छोटा है तो कर देंगे, बराबर, छोटा कर दिया, बड़े को छोटा कर दिया, तो बाबा कहते हैं वो भी क्या है, उसके अंदर घुस जाते हैं ना, छोटा करने में उसको खत्म ही कर दो, भस्म कर दो, वरना क्या होता है, छोटा है तो छोटा पे संकल्प तो चलेगा ही अंदर कि ये अभी भी रहा हुआ है, कि अच्छा है, उल्टा करो कि हमने इतना तो कर दिया मगर तो भी बाकी तो है, वो तो मन में रहेगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूध से ही भस्म कर दे। बाबा के कांटा लगे और फिर निकालो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है, ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। इतनी सुबह आ जाती है, उठ जाती है, अच्छी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबर वार यथाशक्ति पहुंचे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कांटा बना, बड़ी बात को छोटी करना, यह अनुभव करना, इस स्टेज को नंबर वार यथाशक्ति पहुंचे, अभी भी वहां भी हम पहुंचे नहीं है, बाबा एनालिसिस कर रहे हैं हमारे, अब पहुंचना वहां तक है, कहां तक, खत्म कर देने तक, बराबर ना, वहां तक पहुंचना है जो कि अंश और वंश समाप्त हो गई, वो क्या अंश तो है ना, थोड़ा तो रहा हुआ है तो वहां संकल्प तो लगेंगे, इसलिए बाबा कहते वो अंश है, कभी भी वंश बन सकता है, इसलिए बाबा कहते अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे होने, बबूझ रहा, कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है, मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई डिले हो जाते अथवा थक जाते हो व चलते चलते रुक जाते हो, क्या है, कुछ हो रहा है रीना बहन, भाई साहब ओके ने, तो कोई बात नहीं, बातचीत तो होती रहती होगी ना, अच्छा है आप आ गए तो अच्छी बात है, यहाँ वहाँ होते तो आदमी जा नहीं सकते कहीं भी, बाबा के घर अच्छी बात है, यहाँ बाबा के घर पर आते जाते, वहाँ होंगे तो दूर पड़ता है ना, वहाँ तो सेंटर नहीं है ना जहाँ भाई साहब है, वहाँ तैयार हो रही है, अच्छा गुड, उसने चालू कर दिया कोर्स, मैंने एरिक भाई को दो बार मैसेज किया, पहला नहीं है फिर से किया मैंने आपका, ना तो बोला अच्छा आई विल टेक फॉलो, पहले तो जगह नहीं, हाँ कोई बात। तो बाबा कहते हैं
मजबूत घेराव डाला हुए या बीच बीच में कोई डिले हो जाता अथवा थक जाते हो या चलते चलते रुक जाते हो, न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, यह पार तो पक्का नहीं करते हो, तो वहाँ भी स्टेबलाइज नहीं होना। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो, किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? मैंने क्वेश्चन मार्क करके एग्जांपल भी दिया। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे ना, हम लोग पुराने हैं, पीछे जो आएंगे, पीछे कौन आएंगे? पीछे जो आएंगे वो कौन आएंगे? बाबा बार बार कहते पीछे कौन आएंगे, प्रजा में आएंगे, मगर कौन आएंगे? बाबा कहते साइंटिस्ट आएंगे, पीछे साइंटिस्ट आएंगे, जो हमारे सब कुछ रिपेयरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, बनाने का काम करेंगे, वो पीछे आएंगे। बाबा कहते यदि आप नहीं रुक गए तो वो आगे चले जाएंगे आपसे, इसलिए बाबा कहते रुकना नहीं। जब भी पीछे, जब भी बाबा एग्जाम्पल देते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए या उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, भी करते हैं ना, नमक तो डालते हैं, मगर बहुत होता है तो पूरी ट्रक भर भर के दूसरी तरफ ले जाते, पता है ना, रास्ते पर से देखा होगा आपने, तो यहाँ भी ये करते हैं हटाने का पुरुषार्थ। एकदम परफेक्ट, सब कहते क्या कहना चाहते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते, कैसे बर्फ के मुआ हिलते भी नहीं, बाबा के धक्का लगा दो तो अभी कितना बाबा धक्का लगा दो, मगर बच्चे हिलते नहीं तो मगर जमने में अंगत नहीं हो रहा है, चलने में अंगत हो रहा है। तो बाबा कहते यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो वरना रास्ता क्लियर नहीं होगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तब कहते जो बाबा उल्लास दे रहा है, जो हिम्मत दे रहा है, उससे आगे बढ़ो। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद। अच्छा, उच्चते उच्च बाप द्वारा पालना लेने वाले, बाबा पूरी की पूरी मुरली का कवरेज कर, पहले पालना की बात है। दूसरी पॉइंट, विश्व की पालना करने वाले, बाबा कहते खाली पालना लेनी नहीं, दूसरों की पालना करनी भी। तीसरी बात, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्मा, किसकी बात है? विष्णु कुल, गलती से भी राम के कुल में नहीं जाने, बाबा बताए ना बात। चौथी बात, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्मा, है ना, प्रकृति क्या कहते हैं बाबा, प्रकृति जित, इसको परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्मा, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्मा। अब कहते हैं आप में बाप दिखाई दे तो प्रसिद्धि होगी ना। योगी तु आत्माओं के प्रति, कैसी आत्माएं? योगी तु, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्योंकि घंटे में पूरा करना था, फटाफट हमने पूरी कर दी। आज का वरदान है सेवा में रहते, कहाँ रहना है? सेवा में छोड़कर जाना नहीं, संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले, सेवा में रहकर क्या करना है? संपूर्णता की स्टेज की अनुभूति करनी है। ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल बनो, कैसा बनना? ब्रह्मा बाप के जैसा अव्यक्त बनना है, एग्जाम्पल बनना है। बाबा समझाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते थे। सुना है ना दादी जी का अनुभव, इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, अपने मोहन सिंगल भाई जी का अनुभव सुनो, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव है बाबा के, कि बाबा कैसे करते थे, बाबा की अंतिम स्टेज क्या थी। एक घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ, बच्चों को खुश करके
अपने अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे, क्वेश्चन का आंसर दे देते थे, आंसर दे देते थे। खास करके हम लोग मधुबन जाते थे तो हमारे जैसे यंग इंजीनियर थे जो मोहन सिंह है, बहुत ही अपना अच्छा अनुभव सुनाते बाबा के साथ, क्योंकि तब बहुत ही यंग थे मोहन भाई जी। ऐसे फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, बाबा कहते हैं कभी नहीं कहा, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने, कभी भी बच्चों ने कहा, बाबा ने कहा जी हजूर। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है, दिल की लगन हो तो समय निकल आए, क्या बाबा कहते हैं, दिल की लगन हो तो समय निकल आए, बाबा कहीं से कहीं अरेंजमेंट कर देगा, मगर दिल होनी चाहिए सेवा की। कुछ मेड कर दो, दिल और विल फाइंड द वे, वो दिल कहते हम विल कहकर दिल लगा दो दूसरा क्या। तो बाबा कहते दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा, कोई जगा रहा है क्या। अभी वो दिन दिन चालू नहीं हुआ, हो जाएगा थोड़ी देर में, सैटरडे संडे होगा, वीकेंड सैटरडे। इसलिए बाबा का दिल के लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जांपल बन जाएगा। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म है। किसका अनुभव होना चाहिए, कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं पॉइंट आज की, सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है, तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। बाप कैसा है, बाबा डबल लाइट नहीं है, सुनना क्यों बाबा ने ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, बाप लाइट है वैसे डबल। बाबा ने अपने लिए लाइट डबल लाइट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि बाबा तो क्या है, एवर लाइट है ना, एवर प्योर, उसमें नेगेटिविटी का संकल्प है ही नहीं, तो बर्डन उनके पास है ही नहीं, हमारे पास बर्डन आता है, इसलिए हमें वो लाइट बनना है, लाइट का स्वरूप और विदाउट एनी बोझ, इसलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट, हमारे उनके लिए डबल लाइट नहीं है, वो ऑलवेज लाइट है। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो, किसी भाई व बहन को नहीं फॉलो करना। पूर्ति कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा, तेरा शब्द बदल, सॉरी मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, क्या करो, मेरा को तेरे में परिवर्तन कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गई। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गई, है ना। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, तेरा हूँ तो आत्मा जैसा हूँ, और जब कुछ सब कुछ तेरा है कोई बर्डन नहीं, तो डबल लाइट बन गई। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, उसका प्रमाण है मैं बाप समान लाइट हूँ। अच्छा, ओम शांति। वहाँ हो गया तो वहाँ जाकर हम योग करेंगे।